तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका पोकेमोन हिसुई रेड के 18th एपिसोड में। और पिछले एपिसोड में हमने इस सिटी के जिम लीडर को हरा दिया था और अपना 7th जिम बैच हासिल कर लिया था। और आज के एपिसोड में हम अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो पहले ना पोकेमोन सेंटर में जाते हैं, क्योंकि मेरे पोकेमोन्स की हालत ना ख़राब हो रखी है और इस जिम लीडर को तो मैंने पिछले एपिसोड में हरा दिया था और मैंने अब तक पोकेमोन सेंटर में गया ही नहीं हूँ। तो जल्दी से पहले तो इस जिम से बाहर निकलते हैं। और यहाँ पर ना बिल खड़ा है। यार बिल क्यों खड़ा है यहाँ पर? ओके, बिल ये कह रहा है कि मैं ना किसी आइलैंड पर जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो। तो वैसे चलते हैं यार, अपना कोई काम है तो नहीं यहाँ पर, और चलते हैं यार इसके साथ। चलो अभी के लिए ना हम आ चुके हैं 1 आइलैंड पर। ओके, ये ना हमें किसी से मिलवाना चाहता है, इसका कोई फ्रेंड है क्ली हो, ओके, और उससे ये मिलवाना चाहता है। तो चलो जल्दी से ना इसके साथ चलते हैं और इसके फ्रेंड से मिलते हैं। तो ये पता नहीं कहाँ ही ले जा रहा है। और ये तो कोई पोकेमोन सेंटर लग रहा है, लेकिन इसका रंग ना थोड़ा सा अलग है। और ये शायद से ना ये इसका फ्रेंड है, ये क्या नाम है इसका, क्लियू, ओके। यहाँ पर ये दोनों जो है बात कर रहे हैं, तो इनको बात करने देते हैं, ओके। और इसकी ना मशीन में शायद से कोई ख़राबी आ चुकी है और बिल ने ना मुझे मीटियोराइट दे दिया, जो कि हमें सेकेंड आइलैंड पर जाकर किसी बंदे को देना है, ओके। तो मीटोराइट तो ले लिया मैंने, तो जल्दी से पहले यहाँ से बाहर जाते हैं और हमें ना सेकेंड आइलैंड पर जाना है। तो पहले बोट वाले के पास चलते हैं और जल्दी से ना बोट में बैठकर हम सेकेंड आइलैंड पर चलते हुए ये बंदा ना हमें ले जाएगा 2 आइलैंड पर, ओके। इसके बाद एक 3 आइलैंड भी है, लेकिन हमें इसमें जाना नहीं है, क्योंकि जो बंदा है ना वो सेकेंड आइलैंड पर है और यहाँ पर ना कोई गेम कॉर्नर है और उस गेम कॉर्नर के ही अंदर बंदा है। तो पहले तो हमें गेम कॉर्नर ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई भाई, इतनी जल्दी मिल गया गेम कॉर्नर और इस बंदे को ना हमें मीटियोराइट देना। लेकिन एक सेकंड यार, इसकी ना शायद से बच्ची खो गई है, तो हमें ना पहले इसकी बच्ची को बचाना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको मीटियोराइट दे देंगे। तो पहले तो यार इसकी बात सुन लेते क्या कह रहा है ये, ओके। ठीक है भाई, इसकी हमें ना बच्ची को ढूंढना पड़ेगा और वो पता नहीं कहाँ चली गई। तो ओके, ये कह रहा है कि 3 आइलैंड पर जाना पड़ेगा हमें, और अब ना हम 3 आइलैंड में जाते पहले तो और इसकी बच्ची को बचाते हैं, उसके बाद हम इसको मीटोराइट दे देंगे। तो चलो पहले तो यहाँ से निकलते बाहर यार, चलो इस घर से बाहर निकलते। क्या नाम इसका, गेम कॉर्नर है ना। हाँ, और अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो यार। और जल्दी से पहले तो बोट वाले के पास चलते और अपना 3rd आइलैंड पर चलते और उस बच्ची को बचाते हैं पहले तो यार। और ये बेचारा है यार, हम 3rd आइलैंड पर जाते हैं पहले तो। ये रहा 3rd आइलैंड, ओके। चलो ये हमें ले जाएगा यार, इतनी फास्ट स्पीड है ना, मैं एक सेकंड में ही पहुंच गया यार मैं 3rd आइलैंड में। और यहाँ पर ना काफ़ी सारे बंदे खड़े हुए हैं, ये मुझे चोर लग रहे हैं यार, पता नहीं क्यों, लेकिन इनसे हमें कोई काम है नहीं। तो पहले ना मैं पोकेमोन सेंटर में जाता हूँ, क्योंकि मैंने अब तक अपने पोकेमोन्स को हील अप नहीं करा यार, पता नहीं क्यों नहीं करा, लेकिन अभी के लिए अपने पोकेमोन्स को हील अप कर लिया मैंने। और जाते अभी के लिए आगे। और यहाँ पर ना कुछ बाइसाइकिल गैंग वाले बंदे खड़े हैं, पता नहीं क्यों खड़े हैं भाई, और शायद से ना ये इन बंदों को लूट रहे हैं या फिर इनके साथ भाई कुछ बुरा कर रहे हैं ये। और यहाँ पर इन्होंने रास्ता भी ब्लॉक कर रखा है, तो हमें तो बच्ची को बचाना है, लेकिन ये रास्ता छोड़ ही नहीं रहे। तो इससे पहले ना हमें इनको हराना पड़ेगा ताकि ये इस सिटी से भाग जाए। तो इस बंदे को पहले को हरा देते हैं। चलो, इनका बॉस तो लड़ा नहीं क्योंकि वो बात करने में बिजी था, तो हमें उसके चमचे के साथ फाइट करनी पड़ेगी। चलो, इसका एक पोकेमोन तो मैंने हरा दिया, इसका सेकंड पोकेमोन देखते हैं कौन सा है। ओके, मैं बुला लेता हूँ अपने नीडोकिंग को, हमारा नीडोकिंग ही हरा दिया यार। और इनके जो पोकेमोन्स हैं ना वो पॉइजन टाइप है, तो हमारे पोकेमोन्स को पॉइजन भी लग सकता है, तो ये मुझे थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। लेकिन इस बंदे को तो मैंने हरा दिया। और हमारा नीडोकिंग 38 लेवल पर भी पहुँच गया यार। चलो अभी के लिए यहाँ पर दूसरा बंदा भी आ गया और इसके पास एक ही पोकेमोन है भाई। अच्छा, एक ही पोकेमोन है तो इसको ना हम जल्दी से हरा देंगे। चलो, एक और सर्फ अटैक। चलो, इस बंदे को भी हरा दिया शायद। अब बॉस, इनका जो बॉस है ना वो हमारे साथ फाइट करेगा। ओके, ये बॉस नहीं है, ये कोई और ही बंदा है। मुझे लगा था कि अब हमारे साथ इसका बॉस फाइट करेगा, लेकिन वो अब भी फाइट करने के लिए नहीं आया। तो पहले तो इस बंदे को हरा देते। चलो, एक और, अरे यार हमारे स्नोरलैक्स को ना पॉइजन लग गया, लेकिन कोई ना, इसको मैंने अभी के लिए हरा दिया। चलो, और अब शायद से इनका बॉस लड़ेगा, तो पहले ना इनके बॉस को हरा देंगे, फिर ये इस सिटी से भाग जाएंगे और हम इन सिटी वालों को भी बचा लेंगे। और इसका पहला पोकेमोन है वीजिंग, ओके। यान अटैक से यार सो जाएगा अगली बारी में, वैसे भी पॉइजन लग रखा है मेरे स्नोरलैक्स को। तो मैं स्विच कर लेता हूँ अपने ओनिक्स से, शायद से ना हमारा ओनिक्स 40 लेवल पर इवॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ओनिक्स को बुला लिया।
रॉक स्लाइड अटैक भाई डैमेज नहीं आया रॉक स्लाइड अटैक से। एक और रॉक स्लाइड अटैक, ये अच्छा हुआ कि ये सो रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको ख़त्म कर दूंगा। अरे यार उठ गया, पता नहीं अब मैं इसको मार भी पाऊंगा कि नहीं। रॉक स्लाइड एक और भाई क्रिटिकल हिट, और अब ना एक और रॉक स्लाइड अटैक दूंगा नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी हमारे ओनिक्स को भी पॉइजन लग रखा है, तो चलो। अरे यार ये 39 लेवल पर पहुंचने वाला है, तो मैं ना इसको स्विच नहीं करता, अभी स्विच करते। चलो नीडोकिंग को बुला लेते हैं, नीडोकिंग वैसे भी हरा देगा इसको, और नीडोकिंग को पॉइजन भी नहीं लगता यार। चलो वॉटर पल्स अटैक देते हैं, और भाई इसका मकना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, और इसको हराने में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होगी। चलो एक और वॉटर पल्स, और मेरे अटैक्स का ना असर ही नहीं हो रहा इस पर, पता नहीं क्यों। लेकिन अरे भाई क्रिटिकल हिट, और इस बंदे को भी हरा दिया हमने, और ओनिक्स हमारा 39 लेवल पर पहुंच चुका है, और ये इन बाइक साइकिल गैंग वालों को हरा दिया, और ये भाग भी गए यहाँ से। तो पहले तो पोकेमोन सेंटर जाते हैं, अपने पोकेमोन्स को हेल्प करवाते हैं, उसके बाद हमें अपना जो मेन काम है ना इस आइलैंड पर वो करना है कि उस बच्चे को बचाना है। चलो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमें ना लेफ्ट साइड में जाना है बोन ब्रिज ओक की, और इस साइड में जाकर देखते हैं, और यहाँ पर ना काफ़ी सारे ट्रेनर्स भी हैं। तो यहाँ पर एक पोकेमोन आया भाई, ओके इसको मैं रन कर देता हूँ, और मेरे पास मैक्स रिपल है क्या, मैक्स रिपल या वे रिपल कुछ भी, ओनिक्स को आगे कर लेते हैं, क्योंकि 40 लेवल पर इवॉल्व होगा स्टीलेक्स में, तो जो कि अच्छी बात होगी हमारे लिए। यहाँ पर ना दो ट्रेनर्स खड़े हुए हैं जिनके साथ हमें फ़ाइट करनी पड़ेगी यार, मैं तो करना चाहता हूँ क्योंकि डबल बैटल करी हुई ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हमें। ओके और ना हमारा ओनिक्स एंड गैराडोस दोनों ही पोकेमोन आ चुके हैं, हमारा ओनिक्स रॉक स्लाइड अटैक देगा और गैराडोस एक हुआ टेल। ओके इसका एक पोकेमोन तो हार गया, और रॉक स्लाइड अटैक से थोड़ा बहुत ही डैमेज आया, लेकिन कोई ना एक हुआ टेल अटैक और ख़त्म। चलो इन दोनों ट्रेनर्स को भी मैंने हरा दिया, और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा हमें, इतने कमज़ोर ट्रेनर्स थे ना भाई, मैंने आसानी से हरा दिया इनको, और स्टार भी आए। ओके 37 लेवल पर है यार, ये काफ़ी ज़्यादा लेवल है वैसे इनका, और मेरे पास रिपल है क्या, मैंने बाय तो करी थी, रिपल होगी मेरे पास, ये रही ना मैक्स रिपल है यार मेरे पास, और रिपल भी है, चार रिपल है और मैक्स रिपल भी है। तो अभी के लिए ना हम आगे जाते हैं, और यहाँ पर ना एक और ट्रेनर है जिसको हमें हराना पड़ेगा, और ये फाइट मुझे लगा था कि करेगा फाइट। तीन पोकेमोन है इसके पास, राउलेट है पहला पोकेमोन इसका, तो मैं रॉक स्लाइड अटैक देता हूँ ख़त्म। चलो तो अब इसका सेकंड पोकेमोन है डार्ट्रिक्स, तो मैं ना ओनिक्स को ही रखता हूँ कि आप तो ओनिक्स हरा दे इसको, भाई काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया। अरे यार हमारा ओनिक्स फेंट हो गया, वैसे मुझे ना स्विच कर देना चाहिए था, क्योंकि ग्रास टाइप स्ट्रॉन्ग होते ना रॉक टाइप से, तो मुझे पहले स्विच कर देना चाहिए था। इसका लास्ट पोकेमोन भी डार्ट्रिक्स है, तो इसको हमारा डिकार्डियो हरा देगा, और एयर स्लेश अटैक। चलो इस ट्रेनर को भी मैंने हरा दिया, और 38 लेवल पर पहुँच चुका है हमारा डिकार्डियो, जो कि अच्छी बात है। तो पहले ना अपने ओनिक्स को रिवाइव कर देता हूँ मैं, क्योंकि जो 40 लेवल पर इवॉल्व होगा तो अच्छा होगा हमारे लिए, और रेयर कैंडी भी है यार मेरे पास, तो 40 लेवल पर इसको ऐसे ही कर देते हैं। आयरन टेल अटैक सीख रहा, तो आयरन टेल अटैक भी सिखा देते इसको, ड्रैगन ब्रीथ अटैक ना इसको हटा देता हूँ, वैसे भी काम का नहीं था यार ये। और 40 लेवल पर एक सेकेंड यार, ये इवॉल्व क्यों नहीं हुआ ओनिक्स हमारा, मुझे लगा था कि हमारा ओनिक्स 40 लेवल पर इवॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ यार, पता नहीं कितने लेवल पर इवॉल्व होगा यार हमारा ओनिक्स। मुझे लगा था कि 40 लेवल पर इवॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और यहाँ पर ना काफ़ी सारे ट्रेनर्स भी है, मैं ट्राई करूँगा कि इनके साथ फाइट ना करूँ यार, वेस्ट हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा बेमतलब का। तो यहाँ पर एक रास्ता क्या है यार, ये बेरी फॉरेस्ट में आ चुके हैं शायद से, वो बच्ची ना यहीं पर ही आई है, तो यहाँ पर ढूंढ लेते हैं उस बच्ची को, शायद से मिल जाए, अगर मिल गई तो भाई ठीक है ना। और नीचे की साइड से जाते हैं, और यहाँ पर करते कट अटैक का यूज़। ओके वैसे जो कि मैंने डिकार्डियो को सिखा रखा है, और अगर तुमने अभी तक यार लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो फटाक से। और यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर कुछ है क्या यार। ओके नीचे एक साइड से जाते हैं, और यहाँ पर ना पानी टाइप का, और यहाँ पर पोकेबॉल पड़ी है, और एक पोकेमोन भी आ गया, और क्या नाम है इसका, वेनोनेथ। ओके यार मैं इसको कैच नहीं करूँगा भाई, इसने मेरे डिकार्डियो को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया, मैंने जल्दी से स्विच या मैक्स रिपल का यूज़ मैंने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन पता नहीं वो पोकेमोन क्यों आ गया था। तो चलो सर्फ अटैक का यूज़ कर लेते हैं, और इस साइड में जाकर देख लेते हैं क्या पता हमें कुछ मिल जाए यार क्लू, उस बच्चे को ढूंढने का क्लू मिल जाए शायद से हमें। तो यहाँ पर कट अटैक का फिर से यूज़ करते हैं। ओके यहाँ से जाते हैं, और यहाँ पर एक और पोकेबॉल पड़ी है, वो मैक्स इधर। ओके
नीचे की साइड में ना जाकर देख लेते कि अब तक हमें नीचे की साइड में कुछ मिल जाए, और यहाँ पर एक्सिक्यूट है तो इसके साथ भी फाइट नहीं करनी मुझे। पता नहीं मैंने रिपल का यूज़ कर तो रखा है फिर भी पोकेमॉन्स क्यों आ रहे हैं यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ओके ये बच्ची ये मिल गई यार मुझे भाई, इसको इतना ढूंढा हो रही है ना, यहाँ पर खो गई है तो जल्दी से। और यहाँ पर ना एक पोकेमॉन है, क्या नाम इसका, हिप्नो शायद से ना, ये पोकेमॉन इसको यहाँ पर ले आया होगा और हमें ना इसको हराना पड़ेगा पहले। और मैं इसको अपनी टीम में रख लेता, लेकिन अभी के लिए मेरी टीम में कुछ कोई भी स्पेस ही नहीं है यार, मेरी टीम फुल हो चुकी है, तो इसलिए मैं इसको नहीं रखूँगा अपनी टीम में। और हमें ना इसको हराना ही पड़ेगा, हमारा पिकाचू हरा देगा। चलो इस पोकेमॉन को हरा दिया और इस बच्ची को मैंने बचा लिया, तो पहले तो इस बच्ची को अपन इसके घर लेके चलते हैं, और इसके डैडी परेशान हो रहे होंगे। और इसके डैडी को ना हमें वो देना था, क्या नाम है, कुछ लुकारियू ना क्या नाम था, मीटियोराइट ओके, जो कि हमें बिल ने दिया था, और इसके बदले में इन्होंने हमें मूनस्टोन भी दे दिया। तो जल्दी से ना बिल के पास चलते हैं, क्योंकि हमें जो काम करना था हमने कर दिया है, तो जल्दी से चलते हैं। पहले तो वन आइलैंड पर, और बिल को बताते कि हमने मीटियोराइट दे दिया उस अंकल को, और उन्होंने हमें मूनस्टोन भी दे दिया। चलो मैंने अभी के लिए ना बता तो दिया है बिल को, और हमारा जो काम है ना इस आइलैंड पर पूरा हो चुका है, तो हमें ना इस आइलैंड से वापस से अपने उसी सिटी में जाना होगा जहाँ से हम आए थे। ओके तो गाइस आज के एपिसोड का ना हमें यहीं पर एंड करना होगा, क्योंकि आज की वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हराएंगे जियोवानी को और अपना 8 चिम्पेज हासिल करेंगे, लेकिन आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।